अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर आ रही है, क्रेन एक्सीडेंट इन कबद, एशियन ड्राइवर इंजर्ड विद द मल्टीपल फ्रैक्चर। साथियों, कबद एरिया में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, क्रेन एक्सीडेंट। दोस्तों, वीडियो के संदर्भ में फोटो आप देख रहे हो, ये दोस्तों क्रेन, ये गाड़ी को निकाला जा रहा है, देख सकते हो कितनी बड़ी दोस्तों गाड़ी का ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसे निकाला जा रहा है दोस्तों। एक्सीडेंट के हालात में आप देख सकते हो। तो खबर दोस्तों ये है कि इसमें एक एशियन ड्राइवर था दोस्तों, कौन किस कंट्री का था ये भी जिक्र नहीं किया गया है। बताया गया एशियन ड्राइवर था, जो कि वो इंजर्ड हुआ है और बहुत सारे जगहों पर उनको फ्रैक्चर यानी हड्डियाँ वगैरह टूटी हैं। घटना दोस्तों घटी है ये कबद एरिया में। साथियों, ये घटना बहुत ही बड़ी हो सकती थी, पर ऊपर वाले का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शुक्र है, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। ड्राइवर को बस चोट घाट लगा है, हड्डियाँ वगैरह टूटी हैं। और जो भी चीज़ दोस्तों वीडियो के सुनने फोटो में आप देख सकते हो, गाड़ी को किस तरह से निकाला जा रहा है, क्रेन के मदद से उसे निकाला जा रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही, क्रैकडाउन ऑन इलिक्विड लिक्विड प्रोडक्शन इन अलवाफरा। अलवाफरा में दोस्तों देख सकते हैं वीडियो के स्क्रीन पे, कितनी भारी मात्रा में एक एशियाई प्रवासी को अरेस्ट किया गया है शराब के प्रोडक्शन करते हुए। तो दोस्तों, ये घटना है अलवाफरा एरिया में। तो वहाँ पे अरेस्ट वाज कैरिड बाई द अलहमदी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया। तो लगभग इसमें 90 बैरल दोस्तों वहाँ पर कंटेनिंग सब्सटेंस वहाँ पर देखा गया है, डिस्टिलेशन इक्विपमेंट, जिसमें से लगभग 266 बोतल अल्कोहल का देखा गया है। और भी दोस्तों वहाँ पे जो नशीली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों को देखा गया है। तो वीडियो को सुन पे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ड्रम में भरा हुआ है, शराब की बोतलें भरी हुई हैं। तो ये सभी दोस्तों आने वाले टाइम में इसे सेल किया जाता है मार्केट में, और CID की तरफ से दोस्तों इसे पकड़ा गया, जैसा कि देख सकते हैं, इसे एशियाई शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर दोस्तों आ रही, कुवैत डिपोर्ट्स वन मोर इंडियन नर्स फॉर सपोर्टिंग इसराइल। दोस्तों, मैंने आपको लगभग 8 दिन पहले बताया था कि कुवैत में एक इंडियन नर्स को डिपोर्ट किया गया था, क्योंकि वो इसराइल का सपोर्ट कर रही थी। दोस्तों, खबर निकल के फिर से आ रही है कि एक और इंडियन नर्स को डिपोर्ट किया गया है, जो कि अल सबा हॉस्पिटल में वो काम करती थी। वो इसराइल के सपोर्ट में फिर किसी तरह का उन्होंने किसी तरह का सोशल मीडिया पे डाला, या किसी को कुछ बोला, या फिर कुछ किया होगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे किसी तरह का मैसेज उन्होंने डाला था कि वो फिलिस्तीन टेररिस्ट है और इजरायली फ्लैग को लगाया था, जिसके बाद दोस्तों कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से तुरंत ही क्विक एक्शन लिया गया और उस महिला को हमेशा के लिए कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया है। अब ये कुवैत में दोस्तों महिला जो है कुवैत से डिपोर्ट नहीं हुई है, पूरी गल्फ कंट्री में कहीं भी इसको काम अब नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा इसकी फिंगर लिया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अपराध काम करके आए हैं। तो फिलहाल दोस्तों इंडियन नर्स को वहाँ कुवैत से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया गया है, अब दोबारा कभी ये कोई भी गल्फ कंट्री नहीं जा पाएंगी। अगली खबर दोस्तों आ रही, पुलिस टेक इनटू कस्टडी टू ड्रग एडिक्टेड। पुलिस की तरफ से दो ड्रग एडिक्टेड यानी दोस्तों नशा करने वाले शख्स को पकड़ा गया है। अहमदी सिक्योरिटी डायरेक्टर डिपार्टमेंट की तरफ से टू यंग वुमेन इन डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोल फॉलोइंग। दोस्तों, ये घटना घटी है अबू खलीफा एरिया में, मॉर्निंग के टाइम में दोस्तों ये घटना घटी है। और बताया दोस्तों ये जा रहा है कि एक वहाँ पे हु आर द 20s वेयर सीन सीटेड इन द कार नियर रेसिडेंटल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, ये कुवैती नागरिक है और रेसिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पे कार में दोस्तों बैठ के, दोनों का लगभग 20 से 22 साल की उम्र होगी, वो लोग शायद नशा वगैरह कर रहे थे, ड्रग वगैरह ले रहे थे, और भारी मात्रा में उनके पास दोस्तों गांजा वगैरह जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है सभी मौजूद थे, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, दोनों को जेल भी भेज दिया जाएगा। तो साथियों, छोटी सी अपडेट्स थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, टेक केयर।